हेलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिल् इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो जामिया मिल् इस्लामिया के कोर्स कोड जी ट्वेल्व का भी आज एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ गया है पीजी डिप्लोमा इन एयर स्पेस लॉ एयर एंड स्पेस इस लॉ इसके लिए आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कब तक कम्प्लीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कट ऑफ क्या गई ये सब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं तो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाने के लिए आपके पास दो दिन है बारह अक्टूबर और तेरह अक्टूबर ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ आपको जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाने के लिए जाना है और एडमिशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने और फोटो स्टेट भी लेकर जानी है अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है और दो फोटोग्राफ आपको लेके जानी है एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लॉग इन करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है जिस बेसिस पर आपने फॉर्म फिल कराएं प्रूफ ऑफ़ एज बेस सर्टिफिकेट क्लास टेंथ का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है प्रूफ ऑफ़ परमानेंट एड्रेस आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं वोटर आई कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड तो इसमें से कोई सा भी आप एक डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे पॉइंट फाइव से पॉइंट एट मुस्लिम ओ बी सी मुस्लिम एस टी या फिर पी डब्ल्यू डी कैटेगरी या फिर कश्मीरी माइग्रेंट या फिर जम्मू कश्मीर तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है जनरल है तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ले जाना मुस्लिम है तो भी नहीं ले जाना मुस्लिम वमेन है तो भी नहीं ले जाना करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है गैप ईयर है तो आपको एक एफिडेविट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ठीक है और एफिडेविट एक और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको एफिडेविट का तो पता चल गया एफिडेविट आप गेट नंबर चार से भी बनवा सकते हैं और ओखला हिट भी जाके वहाँ से भी एफिडेविट बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें अगर इन केस आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर सफिशेंट टाइम मैंशन है थर्टीन नवंबर तक के आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं अगर आपकी मार्कशीट्स अवेलेबल अभी नहीं है तो और उसके बाद जब आप एडमिशन्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो डिपार्टमेंट से जो है आपको एक फ़ीस स्लिप मिलेगी उस फीस को आपको जो है सबमिट करना है गेट नंबर चार पे बैंक में ठीक है और जब आप फीस सबमिट करके आएंगे तो फ़ीस का एक कॉपी आपको डिपार्टमेंट सबमिट करनी है एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है और एक कॉपी बैंक रख लेगा तो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है फ़ीस स्लिप ये आपको ध्यान रखना है चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या गई है कट ऑफ जनरल की गई है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव मुस्लिम की गई है एटीन पॉइंट फ़ाइव तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए कैटेगरी जनरल एप्लीकेशन आईडी रोल नंबर तो यहाँ पर आप इसमें जो है अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर कहाँ पर है एप्लीकेशन आई और रोल नंबर नेक्स्ट सेलेक्शन कैटेगरी मुस्लिम ठीक है तो यह था हमारा जाम मिल इस्लामी का कोर्स कोड जी ट्वेल्व डिप्लोमा इन एयर स्पेस लॉ का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट Thank you.